जम्मू के पैरोला में अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, अब अगली सरकार जम्मू वाले तय करेंगे, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है। पैरोला में अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है एनसी। कांग्रेस एनसी फिर से 370 लाना चाहती है। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर बोले अमित शाह। कहा, जब तक शांति नहीं तब तक पाकिस्तान से बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर हुए अमित शाह। बोले, एनसी पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहती है, पिछली सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। राजौरी में बड़ी सुरक्षा बलों की तैनाती, वाहनों की चेकिंग की। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। पोलिंग स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 5 महिला और 3 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट। प्रोफेसर विनेश फोगाट को जुलान से कांग्रेस ने मैदान में उतारा। भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला से उम्मीदवार बनाया। सीएम नायर सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से मेवा सिंह को टिकट मिला। नू से आफ्ताब अहमद और फिरोजपुर झिरका से मम्मन खान को मैदान में उतारा। कांग्रेस के पहली लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को नहीं मिला टिकट। फिलहाल कांग्रेस ने उनकी मांगी सीट पर किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, मैंने पहले ही कहा था कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है, साफ हुआ पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। ब्रजभूषण सिंह बोले, बीजेपी पहलवानों के आंदोलन के विरोध में नहीं थी, अगर विरोध में होती तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है, हमें गर्व है, हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह, ये तो होना ही था, पूरा देश जानता है कि इनका आंदोलन कांग्रेस के इशारों पर हो रहा था। विनेश फोगाट के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, उनके बयान से साफ हुआ कि वो और बजरंग पुनिया कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, उनके आरोप निराधार है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद इंडिया टीवी से बोले पहलवान बजरंग पुनिया, जो लड़ाई सड़क पर लड़ी थी उसे सदन में उठाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस को लेकर बोले बजरंग पुनिया, मुश्किल वक्त में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, इसलिए हमने कांग्रेस को चुना। चुनाव लड़ने को लेकर बजरंग ने कहा, पहले से यह तय था कि दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा, विनेश चुनाव लड़ेगी, मैं संगठन में रहूंगा। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़, अभी कांग्रेस से बातचीत चल रही है, उम्मीद है कोई निष्कर्ष निकलेगा। प्रियंका कक्कड़ बोली, हरियाणा में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जमीन पर हमारा संगठन मजबूत है, एक दो दिन में उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद मामले में म्यूनिसिपल कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में पूछा, मैप अप्रूव नहीं हुआ तो इतनी मंजिल कैसे बनी। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अवैध निर्माण का लगातार हो रहा विरोध। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना अवैध निर्माण को हर सरकार ने किया नजरअंदाज। अवैध निर्माणों को रोकने के लिए SOP तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। शिमला में अवैध मस्जिद मामले पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इस पर राजनीति ठीक नहीं है, कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी। संजौली मस्जिद मामले पर बोले हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण की बात मानी है, सभी अवैध निर्माण को हटाने की जरूरत। संजौली मस्जिद मामले पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, मस्जिद का निर्माण अवैध है, हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में बाहर से आकर मुसलमान बस रहे हैं, बाहर से आने वालों का वेरिफिकेशन हो। यूपी के सीएम योगी ने गो हत्या पर दी सख्त चेतावनी। कहा, अगर कोई कसाई गाय की हत्या करता है तो ये किसी सनातनी को सहन नहीं होगा। यूपी में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी के सदस्य अभियान शुरू, सीएम योगी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल। कोलकाता में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर ईडी की रेड। ईडी ने कई अन्य जगहों पर मारी रेड। संदीप घोष फिलहाल CBI की हिरासत में। संदीप घोष की पत्नी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। कहा, वो यहाँ क्या लेकर आए, आप उनसे पूछिए, मेरा मानना है कि वो निर्दोष है, वक्त के साथ ये साबित हो जाएगा। पंजाब में पेट्रोल वेट की बढ़ोतरी पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंडेर। कहा, किसान पहले ही कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मिले पीएम मोदी। पीएम आवास में टीचरों से मुलाकात। के साल कुल 82 शिक्षकों को मिला अवार्ड। गोरखपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। गुरुद्वारे में टेका माथा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम प्रवृत्ति परीता भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर केस की होगी मजिस्ट्रेट जांच। TM ने दिए आदेश। अखिलेश यादव ने लगाया है फर्जी एनकाउंटर का आरोप। मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, लिटोरिस लूट का मामला किसने लूटा, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना कहां गया। सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाली STF ने के CO DK शाही का वॉलीबॉल संघ ने किया सम्मान। DSP DK शाही ने चेतावनी देते हुए कहा अपराधी अपराध छोड़ दे। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। बहराइच के बाद बरेली में भी आदम
एक आतंक, दो महिला समेत चार लोगों पर हमला। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस और मिक्स टूर के बीच जोरदार टक्कर, मरने वालों की संख्या बढ़कर 17, 14 घायल। हादसे में मारे गए सभी लोग मैक्स रोडर पर थे सवार। तेहरवी के भूत से लौटते वक्त बस ने मारी टक्कर, मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका। पीएम मोदी ने हादसे पर शोक जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया। अधिकारियों को पीड़ितों के हर संभव मदद करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन हादसा। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को 2 डिब्बे पटरी से उतरे। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। गाजियाबाद में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश पकड़े गए। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल, 1 स्कूटी समेत कई सामान बरामद। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक ट्रैफिक पुलिस पर 3 ऑटो चालकों ने हमला किया। 2 ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, 1 फिलहाल फरार। नशे में चूर एक ऑटो वाले ने एक महिला को मारी थी टक्कर। ट्रैफिक पुलिस के रुकने पर अपने साथी के साथ किया था हमला। यूपी के सीतापुर में एक अस्पताल में डॉक्टर ने किराया मांगने पर आए मकान मालिक की स्टाफ के साथ पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। सदाकत में भागकर अस्पताल के मेन गेट पर लगा ताला। पुलिस मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया। यूपी के कन्नौज में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पुलिस ने मामले की जांच की। लखनऊ में सपा विधायक सुदेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के सौतेले बेटों के बीच फायरिंग। संपत्ति विवाद में कहा सुनी के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 पर साजिश के तहत फर्जी जानलेवा हमले में पड़ोसियों को फंसाने का आरोप। संपत्ति विवाद को लेकर साजिश। आरोपी ने 2 कंपाउंडरों के जरिए शरीर में कारतूस प्लांट कराकर पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस की तफ्तीश में साजिश का भंडाफोड़ हुआ। राजस्थान के जोधपुर में वन्यजीवों से जुड़े सामान की तस्करी करते 2 लोग गिरफ्तार। तस्करों के पास से लेपर्ड के सर, खाल और हाथी के दांत से बने लाखों का सामान बरामद। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट के किनारे बहकर आया संदिग्ध कंटेनर। मरीन पुलिस ने कंटेनर को सुरक्षित रखा। कंटेनर को देखने के बाद लगा लोगों का जमाना। बिहार के मोतिहारी में 3 स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस ने 2 लाख के फेक नोट के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही पूछताछ। पंजाब के अबोहर में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी जावेद झिंझा गिरफ्तार। जावेद पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित साइबर क्राइम के कई केस दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक ड्राइवर ने होटल में मारी टक्कर। होटल के खाना ना देने से नाराज था ट्रक चालक। असम के रिंग रेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के चलते परिवार जलसलाद। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव। सड़कें जलमग्न, लोगों के घरों में पानी घुसा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से किसानों की मायूसी। धान की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। हैदराबाद में नामपल्ली में मूसलाधार बारिश। नामपल्ली में स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में पानी भरा। गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत। मंदिरों में सुबह से हो रही गणपति की पूजा। देशभर में अगले 10 दिनों तक मनाया जाएगा गणपति उत्सव। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन आज से शुरू। आज सुबह सुबह बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लाल बगीचा में लाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। गणेश चतुर्थी के मौके पर भक्तों ने दर्शन किए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में धूमधाम से लाई गई भगवान गणपति की मूर्ति। भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ गणपति का स्वागत किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गणपति बप्पा मौर्य। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण गणपति की पूजा और आरती में शामिल हुए। पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में लगा भक्तों का तांता। गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बप्पा का आशीर्वाद लिया। जयपुर में गढ़ गणेश मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेश चतुर्थी पर अपने आवास पर बप्पा की पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई दी। मुंबई में गणेश चतुर्थी के दिन पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पत्नी के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए। गणेश चतुर्थी पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने अपने आवास पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाई दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणेश पूजा का आयोजन, सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। हैदराबाद के खैदराबाद में गणेश पूजा का आयोजन, सीएम रेवंत रेड्डी पूजा में शामिल हुए। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल। गणेश चतुर्थी से पहले पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी पर FSSAI सर्टिफाइड लोग ही प्रसाद बना सकेंगे। कर्नाटक सरकार का फैसला, बीजेपी ने आदेश को हिंदू विरोधी बताया। कोयम्बटूर के पुलियाकुलम विनयगर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के चेन्नई में धूमधाम से मनाई जा रही गणेश चतुर्थी। बप्पा के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। दक्षिण चीन में हैनान प्रांत के तटीय इलाकों से टकराया यागी तूफान। 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा, यानी तूफान चपेट में आकर कई इलाकों में खुड़े पेड़ और बिजली के खंभे। तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। समुद्र में उठ रही है ऊंची लहरें। हैनान प्रांत प्रशासन ने करीब 4.5 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से हटाया। लोगों को 500 से ज्यादा राहत केंद्रों में भेजा गया। चीन से पहले हांगकांग में दिखा यागी तूफान का कहर। तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश, समुद्र में उठी ऊंची लहरें। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवा की वजह से कई इलाकों में उखड़े पेड़, कम से कम 5 लोगों के घायल होने की भी खबर। यागी तूफान के असर को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और बैंकिंग संस्थान बंद। 100 से ज्यादा हवाई उड़ानों को रद्द किया गया।
वियतनाम में यागी तूफान आने से पहले प्रशासन ने की जोरदार तैयारी, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने का आदेश जारी किया। उत्तरी वियतनाम में प्रशासन ने तटीय इलाकों को करवाया खाली, पर्यटन के लिए मशहूर इलाकों में होटल और क्रूज की बुकिंग की गई कैंसिल। केन्या में एक स्कूल के हॉस्टल में आग लगी, 17 बच्चों की जलकर मौत, 13 बच्चे बुरी तरह से घायल। लकड़ी से बने हॉस्टल में हादसे के वक्त मौजूद के करीब 150 बच्चे, फिलहाल आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारत के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले अवनी लिक्रा भी भारत लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपने नाम किया 6वां गोल्ड मेडल, 9वें दिन 2 मेडल जीते, भारत को अब तक 27 मेडल मिले। पेरिस पैरालंपिक मेंस में हाई जंप में प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता, प्रवीण ने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.8 मीटर की छलांग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण को बधाई दी, प्रवीण के दृढ़ संकल्प की सराहना की। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, सितंबर में नीरज बेल्जियम में जलवा दिखाएंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।